वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आज हायर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का nth डेरिवेटिव। इसके पहले मैंने पांच फॉर्म बता चुके हैं, लॉगरिथमिक का n बार डिफरेंशिएट करना, एक्सपोनेंशियल का, अलजेब्रिक का, और आज बताने वाले हैं n बार डिफरेंशिएट, जो ट्रिमेट्री फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा अच्छा समझेंगे, पूरी तरीका समझेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी विद्यार्थियों को पूरी तरीका समझाएं और समझ में भी आए। चलिए तो देखते हैं हायर मैथमेटिक्स, जो आपके बीएससी, एमएससी या फिर नेट, गेट, आईआईटी, जैम, यूपीएससी, इस तरह से अनेक कंपटीशन के जो भी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी है। तो हम पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस को पूरा डीप में उसको जानकारी देंगे और समझाएंगे। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा क्लियर किया जाएगा पूरी एग्जाम्पल के साथ, ताकि भविष्य में आपके कोई भी कंपटीशन में दिक्कत नहीं हो सके। चलिए तो हम चलते हैं इसका, इसके पहले मैंने पांच फॉर्म तक हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम यहां सिक्स फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसके पहले जो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में बना करके डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसको हम पूरी तरीका से हायर मैथमेटिक्स के रूप में पूरा सेट कर चुके हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट, पूरी जो भी वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक का चाहिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए मैंने पूरा शेड्यूल बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो उसको सेट कर लेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे। आप कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के लिए। चलिए तो हम सिक्स से स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड वाई एन व्हेन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस बी। अब कैसे हम इसको एन बार डिफरेंशिएट करेंगे इसके बारे में पूरा डीप में जानकारी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इक्वल्स टू लिखा है साइन एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। पहले तो हम डिफरेंशिएट इसको एक बार ही करते हैं। देखिए जब डिफरेंशिएट किया गया तो एक चीज ध्यान में है क्या, कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और एक्स प्लस बी, और एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और बी का जीरो हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से अब सेट कर सकते हैं। और भी इस फॉर्म में हम एक कंडीशन क्या सेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पूरी तरीका से ए तो ए है, और इसको हम एक फॉर्मा के रूप में हम चाहते हैं एक सेट करने के लिए कि साइन 90 प्लस, थोड़ा देखेंगे सही विद्यार्थी, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और ए है जो ए लिखा हुआ है, यानी इस फॉर्म को हम इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। ये एक बार डिफरेंशिएट के लिए किया गया है। अगर हम चाहते हैं इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करें तो जरा देखिएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फॉर्मा याद नहीं है, फॉर्मा हम साइड में लिख दे रहे हैं ताकि सभी को नजर में आए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा का फंक्शन होता है। पूरी डिटेल से जानकारी सामने का फॉर्म में है, हालांकि आप ये साइन कर रहा है लेकिन याद है सभी को फॉर्मूला। अब जरा देखिएगा यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, और यहां पे एक्स प्लस बी, और ए तो एक पहले से है, और एक्स का डीसी ए आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। अब इस फॉर्म में जो मेरा लिखा गया है फॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ए इंटू ए स्क्वायर तो है ही। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा, एक फॉर्मूला के रूप में ऐसे, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, जो यहां पे यूज हुआ है। इस फॉर्म को एक कहानी और बना सकते हैं, क्या कहानी बना सकते हैं, साइन तो साइन है, इसमें हम फॉर्मा को एक परफेक्ट रूप में लाने के लिए दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे,
और यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस बी, जिसको ऐसा ही रहने देंगे, राइट। अब जरा देखिएगा यहां पे मैंने क्या क्या कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ए है तो ए है, यानी ए स्क्वायर का फॉर्मा मैंने सामने लिख दिया है। फिर इसमें हम एक टर्म, इसको हम वाई टू से हम करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जरा देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तीन बार के लिए। जब ट्रिपल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा बाहर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एक्स प्लस बी और एक्स का डीसी ए होता है, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर होगा, यानी माइनस ए क्यू लिख सकते हैं। और इस कॉस को हम फॉर्मा के रूप में हम क्या सेट कर सकते हैं, जरा देखिएगा क्या सेट कर सकते हैं, यानी साइन 270 प्लस छिट्टा, देखिएगा साइन 270 प्लस छिट्टा माइनस कॉस छिट्टा होता है। सामने का फॉर्मूला यहां पे जिक्र किया गया है, साइन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, राइट। अब इस फॉर्म को मैंने लिखा तो यहां पे जो है ना साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू हो गया, जो सामने दिख रहा है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है कि ये तीन बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अच्छा, हम एक चीज और हम इसमें दिख रहा है क्या कि अगर हम चार बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी फोर बार अगर डिफ्रेंशिएट का कहानी अगर बनाया जाए, तो एक चीज कंफर्म दिखेगा, क्या दिखेगा, पहले तो ये कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए के पावर फोर, और यहां साइन एक्स प्लस बी। और अगर हम डायरेक्ट रूप में लिखना चाह रहे हैं तो ए के पावर फोर तो फोर हो जाएगा और साइन हो जाएगा, और मैंने ये देखा कि यहां पाई बाई टू है ए स्क्वायर, और यहां टू पाई बाई टू है, और एक्स प्लस बी भी है, थ्री पाई बाई टू है। अगर चार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर पाई बाई टू एक्स प्लस बी। मैंने देखिए अनुमान क्या लगाया, सुनिएगा अनुमान लगाने का कहानी। सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया ए के पावर वन है, दो बार डिफ्रेंशिएट किया ए के पावर दो है, तीन बार डिफरेंशिएट किया ए के पावर थ्री है, चार बार डिफरेंशिएट किया ए के पावर फोर है। अगर डॉट 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 एन बार डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं वाई एन, तो अगर एन बार डिफरेंशिएट जब किया जाएगा तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या ए के पावर एन, और सभी फंक्शन में साइन दिख रहा है तो इसमें भी साइन लिख देंगे। यहां पे 1π/2, 2π/2, तीन बार में 3π/2, चार बार जब डिफरेंशिएट किया तो 4π/2, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n π/2, और ax प्लस b सभी पार्ट में आया तो ax प्लस b सभी पार्ट में हो गया, यानी n बार डिफरेंशिएट का बेहतरीन तरीका जो यहां पे हम सेट करेंगे राइट के रूप में। देखिए क्या सेट करेंगे, एक फॉर्मूला जब एन बार डिफरेंशिएट करना होगा इस फॉर्म का एन बार के लिए, साइन ए एक्स प्लस बी और इसका डिफरेंशिएट किया गया तो ए के पावर एन साइन एन पाई वाई टू प्लस एक्स प्लस बी, राइट। तो इस तरह से मेरा एन बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको जरा नोट कर लीजिए। इस पर हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल होगा और कैसे होगा इसको नोट करने के बाद, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, मिटाते हैं। चलिए तो ए मैंने साइन एक्स प्लस बी को एन वार डिफ्रेंशिएट, इस पर एक एग्जाम्पल हम सेट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा क्या एग्जाम्पल है, वाई इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5 फाइंड y 100, यानी 100 बार डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा एकदम आसान तरीका है, 100 बार डिफरेंशिएट का आसान तरीका क्या है कि साइन n के स्थान पर, n के स्थान पर तो 100 कर देना है 100, और साइन 2x प्लस 5 आसान तरीका के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ए के पावर एन, ए क्या होता है एक्स का कोफिशियंट होता है, तो एक्स का कोफिशियंट यहां 2 है, तो 2 के पावर जितना बार डिफरेंशिएट 100 बार, और साइन
इसके बाद n पाई बाई टू यानी जितना बार डिफरेंशिएट है 100 पाई बाई टू, और यहां पे क्या है 2x प्लस 5, ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितना बार करना चाहेंगे उतना बार कर सकते हैं। मैंने थ्योरी को प्रूफ किया और इस पर एग्जांपल भी दिया। अब इसका कुछ पार्टिकुलर केस है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए पार्टिकुलर केस ए में क्या है, वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स। अब y इक्वल्स टू साइन ए एक्स है और इसका n बार डिफरेंशिएट करना है, फाइंड n बार डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, आसान है, n बार डिफरेंशिएट करने का साइन ए एक्स। n बार डिफरेंशिएट का सबसे आसान तरीका a के पावर n, जो x का कोफिशिएंट है, a के पावर n, और साइन n पाई बाय 2 तो फिक्स कर देना है, n पाई बाय 2 और x है तो यहां a x है, यानी ये हो गया n बार डिफरेंशिएट का बेहतरीन तरीका जो सामने दिख रहा है। इस पर एक एग्जांपल के साथ हम सेट करते हैं। देखिएगा एग्जांपल क्या है, y बराबर साइन 2x फाइंड, और इसमें लिखा रहेगा y को हमको 50 बार इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से पहले तो जितना बार डिफरेंस है उतना डिफरेंशिएट करना है, उतना बार पावर लिख देना है d के पावर 2x, और यहां पे कांस्टेंट यानी x का कोफिशिएंट के पावर जितना डिफरेंशिएट, और साइन यहां आएगा 50x 50 पाई 50 पाई बाई 2 और यहां पे 2x। तो ये रहा कंप्लीट आंसर, जितना बार डिफरेंशिएट किया उतना बार। ये हो गया पार्टिकुलर केसेस ए के लिए, और पार्टिकुलर केसेस बी के लिए भी हम साइड में लिखते हैं, जरा देखिएगा। पार्टिकुलर केसेस बी जो है साइड में हम बता देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। बी में अगर हम लिखते हैं वाई इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड एन वार डिफरेंशिएट करना है, तो एन वार डिफरेंशिएट करना है, इसमें भी जरा देख लीजिए एन वार डिफरेंशिएट का बेहतरीन तरीका साइन एक्स और एन वार डिफरेंशिएट का। तो पहले तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, इसमें x का कोफिशिएंट a था लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के पावर कितनों बार लिखे तो 1 ही रहेगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी अब लिखेंगे साइन n पाई बाई, तो यहां लिखेंगे n पाई बाई 2 प्लस x ये रहा n बार डिफरेंशिएट। अगर आप सभी विद्यार्थियों से पूछा जाए कि साइन का डिफरेंशिएशन एन बार क्या होगा, तो साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, अगर जहां पे डॉट लगे वो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस डॉट को पूरी बेस्ट तरीका से क्लियर किया जाएगा। और अगर इस पर हम क्वेश्चन, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट का टर्म हम सेट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो एच डब्ल्यू ग्रुप में सभी विद्यार्थी के लिए रहेगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, तो एच डब्ल्यू इसको मिटाने के बाद हम देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, चार गो ऑप्शन भी दे देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, तो ये दो क्वेश्चन जो दिख रहा है और दोनों क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एच डब्ल्यू ग्रुप में दो क्वेश्चन है, इसका भी चार ऑप्शन है और इसका भी चार ऑप्शन है। चलिए तो ये है डीसी ऑफ ट्रिमेट्री फंक्शन एनथ डेरिवेटिव के लिए साइन का, अब हम कॉस के बारे में बताते हैं इसको नोट करने के बाद, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, अब जरा कॉस का, टू फाइंड वाई एन व्हेन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस बी। देखिएगा वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस बी, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा इसके बारे में, तो कॉस का डीसी आता है माइनस साइन, एक्स प्लस बी, और एक्स का डीसी ए, जिसको हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला के रूप में, ए तो ए है, और यहां लिखते हैं कैसे कि कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस होता है। देखिए साइड में हम लिख दे रहे हैं,
ताकि फॉर्मूला ध्यान में आ जाए और क्लियर भी हो जाए। हालांकि सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, राइट। अब इस फॉर्म में एक फॉर्म है, इसको हम बाय वन लिख सकते हैं। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको तो वाई टू लिख ही सकते हैं। अब देखिएगा, माइनस ए तो बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स का ए होता है जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहां पे कॉस लिख सकते हैं कॉस एक्स वी प्लस थीटा, और कॉस एक्स वी प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इसको भी इसी फॉर्म में हम यहां सेट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर पाई। इसको हम क्या हम आगे स्टेप बढ़ाने के लिए दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि फॉर्म का कहानी सही सुटेबल रहे। दो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ये फॉर्म को लिखा, ठीक है। अब फिर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, जरा देखिएगा। एक बार और जब डिफ्रेंशिएट किया गया तो थ्री हो गया पावर में, इसको वाई थ्री भी लिख सकते हैं, और माइनस ए स्क्वायर, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स प्लस बी और इंटू ए, यानी ए इंटू ए एक क्यू लिख सकते हैं। और यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस 270 थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा। यहां पे लिख रहे हैं फॉर्मूला, कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो यहां पे साइन थीटा ही आ गया, एक क्यू लिखा हुआ है। तो अब इससे अनुमान देखिएगा कि अगर हम चार बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया एक के पावर वन, दो बार डिफ्रेंशिएट किया एक के पावर टू, तीन बार डिफ्रेंशिएट किया एक के पावर थ्री, चार बार डिफ्रेंशिएट किया एक के पावर फोर, सभी में कॉस का फॉर्म है। फिर इसके बाद देख रहे हैं पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, चार में फोर पाई बाई टू, और एक्स प्लस बी सभी का फॉर्म बन रहा है तो लिख दिया, यानी ये फोर बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसी प्रकार सिमिलरली एन बार डिफ्रेंशिएट के लिए हम लिख सकते हैं क्या, एन बार का फंक्शन जब आए तो हम लिख सकते हैं ए के पावर एन और कॉस एन पाई वाई टू एक्स प्लस बी, यानी ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएट एन बार किया गया है। और एन बार डिफ्रेंशिएट के लिए देखिए क्या होगा इसके बारे में, यानी कॉस एक्स प्लस बी को एन बार डिफ्रेंशिएट के लिए सामने दिख रहा है, ए के पावर एन कॉस एन पाई बाई टू एक्स प्लस बी, राइट। इसको नोट कर लीजिए, इसकी पूरी तरीका से थोड़ा कुछ कट रहा है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं कैमरा को, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे ऊपर में लिखते एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखिए, एन वार डिफ्रेंशिएट का हम लिख दिया है, इस पर एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। देखिए वाई इक्वल्स टू कॉस टू एक्स प्लस फाइव, और यहां लिखेंगे फाइंड वाई 100, यानी 100 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो 100 बार डिफ्रेंशिएट के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान तरीका सामने दिख रहा है, 2x प्लस 5, और यहां पे x का कॉफिशियंट यहां a था तो यहां 2 है, तो 2 के पावर जितना बार डिफ्रेंशिएट किया 100 cos n पाई, यानी 100 पाई बाई 2 और 2x प्लस 5, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसका कुछ पार्टिकुलर केस है, इसके बारे में कुछ बताते हैं, नोट कर लीजिए इतना पहले। देखिए पार्टिकुलर केसेस ए में जरा देखिएगा, y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स, फाइंड वाई एन, और वाई एन का फंक्शन का फॉर्म जरा देखिएगा क्या हम लिखेंगे, एन बार डिफ्रेंशिएट करना है कॉस ए एक्स को, तो आसान तरीका है a के पावर n cos n पाई बाई टू प्लस x,
इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सामने दिख रहा है उसी का फंक्शन है, यहाँ पे a के पावर n cos n pi by 2 और यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिया। इस पर एक एग्जांपल सेट करते हैं, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। यानी देखिए, अगर y equals to cos हम 3x लिखते हैं और लिखते हैं find y 10, यानी 10 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो पावर में 10 कर दिया है। और देखिएगा x के कोफिशियंट के पावर और cos n पाई, यानी यहाँ पे 10 पाई वाई 2 और 3x, ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। अब ये हो गया ए पार्टिकुलर में। अब सेकंड में लिखते हैं बी वाला पार्टिकुलर केसेस का, यानी वाई इक्वल टू कॉस एक्स फाइंड वाई एन, यानी एन वार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एन वार डिफ्रेंशिएट का बेहतरीन तरीका कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या कि कॉस एन पाई वाई टू प्लस एक्स, जस्ट ऐसा ही है। एक्स है तो यहां पर देखिए एक्स का कोफिशियंट यहां ए था, लेकिन यहां तो एक्स का कोफिशियंट वन है, तो वन तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। तो लिखिए कॉस एन पाई वाई टू आई एक्स, यानी ये है एन वार डिफ्रेंशिएट कॉस का। अगर पूछा जाए कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन एन वार क्या होता है, तो कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाए। साइन के लिए भी मैंने बताया इसके पहले में। चलिए तो हम जरा कुछ HW देते हैं, जो बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर का जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है, इस थ्योरी पर भी मैंने दिया है, तो ये भी इसका चार गो ऑप्शन है, कौन सा होगा ये जरूर बताइएगा। इसका भी चार गो ऑप्शन है, कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो आज मैंने ट्रिमेट्री फंक्शन का nth डेरिवेटिव के लिए कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन, वो सामने दिख रहा है, क्लियर। आज इस लेक्चर में टोटल मैंने चार क्वेश्चन, चारों का ऑब्जेक्टिव जो है, चारों और चारों का ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा इसको कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे मेरा हौसला के साथ आगे हम लेक्चर बना सकें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिमेट्रिक फंक्शन को मिला करके जब क्वेश्चन रहेगा तब एन बार कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस का।